स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुमित द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम गूगल पर जो आपने डाइनो गेम देखा होगा उस गेम को हम कैसे हैक कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ हम एडिट करके उस गेम में हम हाई स्कोर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी को बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम में आपको यहाँ पर इंटरनेट का सकता नहीं है, यहाँ पर आप सिंपल सा सिर्फ सर्च कर लीजिए क्रोम और कोलन एंड स्लैश स्लैश डाइनो DINO। एंटर करते ही आप देखेंगे आपके यहाँ पर गेम का जो स्क्रीन है वो खुल गई है। आपने एक गेम को पहले भी खेला होगा, लेकिन और चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे आप स्पेस बार को एंटर करते हैं, स्पेस बटन को, वैसे आपका गेम स्टार्ट हो जाता है गेम। और आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आपको उनसे बचना है। आप स्पेस बार क्लिक करते ही जंप करता है, ठीक। तो आपने यह गेम खेला होगा। यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए, माउस का राइट बटन क्लिक करिए, या फिर कीबोर्ड पर, फिर आप लैपटॉप पर जो राइट बटन है उसको क्लिक करते ही आपको सामने इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, और उस पर क्लिक करने पर सामने आपके स्क्रीन खुल जाएगी। तो इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पर कंसोल पर जाना है, और कंसोल पर चलिए हम जाते हैं और सिंपल सा हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर हमारा वेरिएबल एक बना लेते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू ले लेते हैं हम, अब लिखते हैं रनर डॉट प्रोटोटाइप और डॉट गेम ओवर। तो इसके बाद हम लिखते हैं रनर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेम ओवर इक्वल टू, लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, और यहाँ पर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और हम जैसे ही एंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गेम को हैक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो किसी भी जो हमारा ऑब्स्टिकल आ रहा है उससे कोलाइड नहीं हो रहा, यानी सकते हैं। तो इसी इसी को इस गेम को हमने हैक कर लिया है, इसको कर सकते हैं। कुछ चेंजेस कर दिए हैं जिसकी वजह से ये अब लाइट नहीं हो रहा है। तो ये गेम बहुत देर तक खेल सकते हैं और हाई स्कोर बना सकते हैं। चलिए हमें आपको इसे बता देते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पर हाई स्कोर थोड़ा जो ज़्यादा इसकी स्पीड जो बढ़ा जो बढ़ानी हो अगर, तो हमें लिख सकते हैं रनर रनर डॉट इंस्टेंस इंस्टेंस डॉट सेट स्पीड। यहाँ पर आप ऑप्शन दिखेगा सेट स्पीड में जाकर आप यहाँ पर थोड़ी सी इस पर ज़्यादा आपको वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 100 दे दिया, 100 या फिर हम 50 दे देते हैं, थोड़ा आपकी स्पीड ये बढ़ जाएगी यहाँ पर। चलिए हमने क्लिक किया, जैसे देखेंगे आपके गेम की स्पीड जो है बढ़ गई है। उस तरह आप इस जितनी बड़ी वैल्यू देंगे उतनी तेज़ स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरह का गेम को आप हैक कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे आप हैक करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम दोबारा यही लिख देते हैं कोड, और चलिए हमने यहाँ कंट्रोल, चलिए हम यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी करके थोड़ा सा हम स्पीड को और बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 100, और जैसे इसको लिख कर हम यहाँ पर कर देंगे एंटर। ऐसे ही आपका गेम स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया है, देखिए आपकी जो इस हाई स्कोर है उसकी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए अगर आपको यहाँ पर गेम को रोकना हो तो कैसे आप रोकेंगे, तो चलिए सिंपल सा आपको लिख देना है यहाँ पर रनर डॉट, वही आपको कोड जो है लिखना दोबारा रनर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेम ओवर इक्वल टू कर देना है आपको ए जो आपने वेरिएबल लिया था। और जैसे इंटर करेंगे आप वहाँ पर देखेंगे गेम ओवर लिख कर आ रहा है, फंक्शन लिख कर आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर गेम पर करेंगे वैसे देखिए आप गेम आउट हो चुके हैं आप, और ये आपका नया दूसरा गेम ओपन हो चुका है। तो इस तरह आप गेम को हैक कर सकते हैं, उस गेम पर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आप उस फंक्शन को दोबारा कॉल करके आप गेम को रोक सकते हैं। तो यही था मैं जो इस वीडियो बताना चाहता था आप अपने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।